खबर टिहरी जिले की है, जहां एक गर्भवती महिला को अस्पताल से ले जाया गया। जहां बीती 8 अक्टूबर को गर्भवती महिला को सही इलाज ना मिलने से उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मौत की वजह प्रदेश के खराब स्वास्थ्य व्यवस्था बताई जा रही है, जिसके बाद प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने इस घटना की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। इस पर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है, सीएचसी सेंटरों का भी हाल काफी बुरा है, टिहरी जिले के जिला अस्पताल तक में सुविधाएं नहीं है। इस घटना से जुड़े सभी दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, जो प्रताप नगर की घटना हुई है, वो घटना सच में काफी दुखदायक घटना है। और जब मुझे पता चला कि उस दिन जो है वहां पे तीनों डॉक्टर अनुपस्थित, तो जिस भी डॉक्टर की जवाबदेही थी हमने सीएमओ से उसकी इंक्वायरी करा दी थी, और सीएमओ ने जो भी आख्या दे रखी है शासन को, उसके जो है आज हम उस पर निर्णय ले रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी है और स्वास्थ्य विभाग, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तीन तीन डॉक्टर एक ही दिन में अनुपस्थित थे और उनको जवाब भी मांगा गया था। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड राज्य में जब 10 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज फ्री हो चुका है, 1 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं का जो जिच्चे बच्चा होते समय हम उनको हॉस्पिटल लाते हैं और फिर घर तक छोड़ते हैं, वो भी निशुल्क सेवा है हमारे राज्य में। लेकिन कतपय जो घटना आई है उसका आज हमने संज्ञान लिया है और उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई जरूर। मैं लगातार सरकार से मांग कर रहा हूं, वहां 9 डॉक्टर की स्वीकृति है और जिस दिन यह घटना हुई उस दिन वहां एक भी डॉक्टर तैनात नहीं। अब माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई से नहीं चलने वाला। सच्चाई तो है, इस प्रदेश के लिए चैलेंज है, इस प्रदेश के लिए ये गंभीर समस्या है कि पहाड़ों पर डॉक्टर, जब उत्तर प्रदेश था तब टिहरी जैसे जनपद में पूरे डॉक्टर होते थे और आज उत्तराखंड बनने के बाद डॉक्टर नहीं है। सरकार को चाहिए कि डॉक्टरों की और खासकर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती करें, जिससे गांव घर में रहने वाला माता बहन गरीब लोगों को इलाज मुहैया हो सके।